समंदर को देखा है तुमने कभी? इतना वसी होता है कि लोग उससे मुतासिर होकर उसे दूर दराज से देखने आते हैं। वो समंदर में उतर कर खुद को अच्छा महसूस करते हैं, उनको अजीब सी खुशी होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें बड़ापन होता है। वो सबको गहराई में बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता है। किसी से कोई शिकायत नहीं करता, उसमें कुछ भी फेंको कोई शिकायत नहीं करता। उसमें कुछ भी फेंको अपने अंदर जज्ब कर लेता है और बाहर से तरोताज़ा रहता है, लोगों को अपनी जानिब मायल करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो वसी होता है, जज्बात में भड़कता नहीं। उतार चढ़ाव की भी मुनफरिद अपनी चाल होती है। सुनो, समंदर की तरह गहरे हो जाओ, अपने अंदर दुखों को जज्ब करना सीखो। समंदर बनने का एक राज बताऊं, बर्दाश्त करना सीखो। सब्र, सिर्फ सब्र इस्तकामत को अपना शार बना लो। गम मिले तो अल्लाह के आगे रोना, कुदरत तुम्हें मखलूक के आगे रोने नहीं देगी। लोगों की सुनना शुरू कर दो, अपनी कहानी बयान करना छोड़ दो। जानते हो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम आसमान से अशरफुल मखलूकात का लेबल लगवा कर आए हैं। समंदर बनो, समंदर। जानते हो समंदर बनने से क्या होता है? जितने गहरे होंगे मौत भी दिलकश लगेगी। जब हमने रहना ही नहीं है तो क्यों ना समंदर बनकर मर जाए। समंदर बनकर मर जाए। कहना तो चाहिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मगर मुझे लगता है कि आप वही करेंगे जो आपका दिल चाहता है। तो अल्लाह हाफिज़।